Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. मैं जिंदगी प्राइवेट रखता हूँ, और जब लोग मुझे जानने का दावा करते हैं तब वो नहीं जानते कि वो उतना ही जानते हैं जितना मैं चाहता हूँ। खुद माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाले हमसे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। मैं दुनियादारी से ताल्लुक इसलिए कम रखता हूँ, मैं 100 बार भी गिरूं ना तो 100 बार उठने का दम रखता हूँ। और अगर किसी शख्स को एक ही बात बार बार समझानी पड़े तो छोड़ दो, समझाना भी और उस शख्स को भी। मेरे दोस्त, ना तो मैं किस्मत की मार से डरता हूँ और ना ही मैं किसी से जलता हूँ। एक कदम पीछे ही सही मेरे दोस्त, पर मैं खुद के दम पे चलता हूँ। हमारा तो पहले से यही उसूल है कि मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। कभी कभार खो जाना चाहिए ये देखने के लिए कि कौन तलाश करने आता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि डब्बा खा के 6 महीने में तो कोई बॉडी बना ले, तो ये सिर्फ उनके लिए। मेरे भाई, तुम दिन भर में जितना पानी पीते हो ना उतना मैं 1 घंटे में जिम में भागे चला जाता हूँ। और जब औकात लड़ने की नहीं होती है ना तो लोग पीठ पीछे भोगते हैं। एक शौक होता है लोगों को सबकी नजरों में अच्छा बनने का, और इस तरह के शौक मैं नहीं रखता। खत्म। बना बनाया बिगाड़ देंगे और बिगड़ा माहौल संभाल देंगे जनाब। बहुतों के वहम निकाले हैं, आपका भी निकाल देंगे। अब तू स्टोरी देखकर ही टाइम पास कर मैडम, क्योंकि रिप्लाई लेने जितनी तेरी औकात नहीं है। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। चले अपनी ही तोड़ दें दे आकड़ा ने पोर बड़ी देखिया ने नारा तेरे वर्गी नहीं होर सच्ची दिलां दी तू चोर जट वेचिया ना जोर लगा बत्ती बोर डब दें दा बंदा इन्हें चोर का दी कर की कलोल मिनु लगे तेरी तो। तुम बहुत अच्छे हो यार। ये गलत गलत बातें कौन बता रहा है तुम्हें मेरे बारे में? ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, भी बजा। जब तक हमारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी ये दुनिया हमसे यूं ही परेशान रहेगी। हम अपना एटीट्यूड वहां दिखाते हैं जहां लोग अपने औकात भी भूल जाते हैं। शरीर की मर्यादा होती है। दूसरों के कारण अपने जीवन का आनंद ना लेना यह तो जीवन का ही अपमान हो गया। रुकिए, अगर तुम लड़के हो तो सिर्फ 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। एक बात समझ लो, आज से 5 या फिर 7 साल बाद कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि यह पूछेगा कि तुम करते क्या हो और कमाते कितना हो। इसलिए फोकस सिर्फ गोल पर रखो, गर्ल्स पर नहीं।
अगर आप मेरी बात से सहमत हो कमेंट में राइट लिखो। तेरी शहर महल का बजे रोसा।